की धरती, सिल्क शहर, रेशमी शहर, अच्छी शुरुआत वहां से हो रही है। मैं इस अवसर पर वहां के समस्त कार्यकर्ताओं, जो हमारे संगठन के पदाधिकारीगण हैं और जो कार्यकर्ता मित्र हैं, उन सब लोगों को बधाई देता हूं। हमारी शुभकामना है, आज ये बखाड़ फाउंडेशन की ओर से अर्जित शाश्वत चौबे के प्रयास से यह MMU जो मेडिकल मोबाइल यूनिट या वाहन जो है, चिकित्सा सेवा वाहन, ये वखार्ड फाउंडेशन जो मुंबई की संस्था है उनके द्वारा प्रदान की गई है, और उन्होंने मुझे आज के इस कार्यक्रम के शुभारंभ के लिए इस गाड़ी के इस सेवा वाहन को वहाँ भागलपुर के शहरों में और सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में भी इस वाहन को चलाने के लिए उन्होंने आज उद्घाटन का यह कार्यक्रम रखा है और मुझे आमंत्रित किया है। मैं आभार व्यक्त करता हूँ वखार फाउंडेशन को। मुझे खुशी है कि बहुत कम समय में और अर्जित ने पहले से ही प्रयास किया था, किंतु कुछ तकनीकी कारण से वो गाड़ी उपलब्ध नहीं हो पाई थी और उन्होंने 2 दिन पहले सारी व्यवस्था करके और पूरे गाड़ी के साथ जो डॉक्टर होते हैं, जो पैरामेडिकल स्टाफ होते हैं और जो इस प्रकार की दवाइयां इत्यादि सारी व्यवस्था करके उन्होंने आज इस रेशमी शहर में इस वाहन को इस चिकित्सक आपके बाद, यह जो हमारी कल्पना रही है और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जो सपना है, सबको स्वस्थ रखना, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सभी आरोग्य रहे, सभी सुखी रहे, और इसी परिकल्पना को साकार करने के लिए जहां भारत सरकार ने सर्वे सन्तु निरामया के आधार पर 2017 की हमारी भारत सरकार की स्वास्थ्य नीति बनी है, और उसी स्वास्थ्य नीति के तहत हम लोगों ने स्वास्थ्य सेवा देश भर में सबको उपलब्ध हो, कम किफायती हो और अफोर्डेबल हेल्थ केयर के बारे में हम लोगों ने इस स्वास्थ्य लोगों को पहुंचाने तक का यह कार्य भारत सरकार ने किया है, राज्यों के सहयोग से, राज्य सरकारों के सहयोग से। आपने देखा है कि पिछले दिनों जब वैश्विक महामारी पूरे विश्व के अंदर छाई हुई थी, उस वैश्विक महामारी के दौर में भी हम सब लोगों ने निरंतर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके कुशल नेतृत्व में, और स्वास्थ्य विभाग ने लगातार अपनी ओर से पूरी, हम कह सकते हैं कि एक सार्थक प्रयास करके, हमने जहां गांव-गांव में कोविड के लोग जिन शहरों में थे, जहां जिन राज्यों में थे, जहां उनको हर संभव उनके चेन को तोड़ने के लिए, चेन को काटने के लिए हम सब लोग प्रयासरत हैं। अभी भी देर के 2-2 बजे रात तक भी, और राज्यों के साथ, राज्य सरकारों के स्वास्थ्य मंत्रालय और उनके साथ वार्ता होती रही है, और आज हम ये कह सकते हैं कि देश में और दुनिया में अगर सबसे अच्छी स्थिति है तो भारत की है। इस वैश्विक महामारी में जो प्रधानमंत्री जी ने समय पर जो उनकी जो दृष्टि थी, अगर समय पर लॉकडाउन नहीं किया रहता तो मई महीने में ही, अगर मार्च में लॉकडाउन नहीं हुआ होता तो मई महीने में ही 70 लाख से अधिक लोग इस वैश्विक महामारी के शिकार हो जाते,
हजारों लाखों लोगों की मृत्यु होती है, उससे बचाने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। हमने कोविड के कालखंड में देश को किसी भी चीज का कमी ना हो, ये भरसक प्रयास किया। हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से स्वास्थ्य मंत्री और मैं स्वयं लगातार दिन रात प्रयास करके हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय के सभी सचिव से लेकर के जितने भी पदाधिकारी हैं, देश भर के लोगों के साथ संपर्क करके और स्वास्थ्य मंत्रालय से लगातार हम एडवाइजरी भी भेज रहे हैं, और उस एडवाइजरी के माध्यम से आज उस एडवाइजरी के माध्यम से देश को कैसे सुदृढ़ बनाया जाए, स्वस्थ रखा जाए और कोविड से कैसे मुक्ति हो। हम लोगों ने जहां आपने देखा कि मास्क लगा करके ही लोग, मैं देख रहा हूं कि सुदूर में बहुत सारे कार्यकर्ता मास्क नहीं पहने हुए ये भूल कर रहे हैं। जो लोग भी भागलपुर के अंदर में देख रहा हूं कि कुछ लोग मास्क नहीं पहने हैं, ना तो अपने गमछे से चेहरे को ढके, कृपया वो अपने गमछे से चेहरे को जरूर ढके, अपने नाक मुंह कान मुंह इसको जरूर ढके, इसको हल्के से ना लें। बार बार प्रधानमंत्री जी आग्रह करते रहे कि ये हल्के से लेने का विषय नहीं है। कोविड की महामारी आज भी, संकट का दौर आज भी है, आगे भी, जब तक आग्रह करूंगा कि आदेश इसके चैन को पूरी तरह से समाप्त नहीं कर लेते, और इसके लिए सरकार ने हर संभव प्रयास किया है। हर राज्य सरकार इसमें, बिहार सरकार भी काफ़ी आगे बढ़ चढ़ करके और सहयोग कर रही है। बिहार सरकार जनता के साथ मिलकर के इस कोविड को कैसे खात्मा किया जाए, और केंद्र सरकार का पूरी तरह से सहयोग हम सब लोगों का है। प्रधानमंत्री जी कई बार, लगभग 8 से 9 बार मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत करके उनसे सुझाव लेकर के देश भर में इसके बारे में जो अच्छे काम होना चाहिए वो किया जा रहा है। आज भी लोकसभा में अभी कोविड पर चर्चा, विशेष चर्चा आज रखी गई है, जिसमें मुझे तुरंत यहाँ से भाग लेने के लिए जाना है, और मुझे लग रहा है कि आज इस कोविड के चर्चा के दौरान देश को और भी जानकारी दी जाएगी। आप सबको मालूम होना चाहिए कि यह जो वखार फाउंडेशन ने यह CSR फंड से जो वाहन उपलब्ध कराई है, ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के 70वें जन्मदिन जन्म सेवा सप्ताह जो देश भर में मनाई जा रही है पार्टी की ओर से, ये जन्मदिन सेवा सप्ताह के शुभ अवसर पर आज इस जो MMU वाहन है, चिकित्सक आपके द्वार, जिसको मैंने कहा है कि धन्वंतरी चलंत अस्पताल के रूप में, ये मिनी अस्पताल जिसमें डॉक्टर भी रहेंगे, टेस्ट भी होगा, और बाद में टेलीमेडिसिन से भी इसको एम्स के साथ जोड़ा जा रहा है, टेलीमेडिसिन की सेवा भी लोगों को मिलेगी। अभी कुछ दिन पहले हमने लवाइक से भागलपुर, बक्सर, बनारस, इन जगहों पर लवाइक से चलंत अस्पताल आपके मोहल्लों में घूम रहा है। जांच भी 75 प्रकार के जांच हो रहे हैं, टेलीमेडिसिन की सेवा भी उपलब्ध हो रही है, और साथ ही एंटीजन टेस्ट जो हमने कंपनी से लगभग 1,20,000 एंटीजन टेस्ट हमने स्वीकृत कराया है, और CSR फंड से भागलपुर को भी 35,000 एंटीजन टेस्ट मुफ्त रूप से लोगों को सेवा में उपलब्ध, लोगों की सेवा के लिए उपलब्ध कराई गई। भागलपुर, बक्सर, बनारस, इन स्थानों पर एंटीजन टेस्ट भी हो, और साथ साथ जो सरकार के द्वारा हो रहा है और समाज के आम लोगों को, हम अपने कार्यकर्ताओं को और संगठन और समाज के ऐसे कर्मियों को, हम उनका एंटीजन टेस्ट करके कैसे उनको कोविड से जांच करा करके कोविड के बारे में शिनाख्त कर सकते हैं, इसका प्रयास चल रहा है। आप सबको ये मालूम होना चाहिए कि पिछले दिनों से जहां देश में ये रफ्तार धीरे धीरे कम हो रहा है, आज 89.68% रिकवरी रेट है।